हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ धर्मेश पंचांत्रिक स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एनोड पंथ के बारे में बात करने वाले हैं। आपको लगेगा कि सर, आज तक तो ऐसा कुछ एग्जाम में पूछा नहीं गया है, तो फिर ऐसा कोई टॉपिक कहाँ से आ गया। मगर दोस्तों, एक बात आपको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आज तक नहीं पूछा गया है तो आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेमस टॉपिक है जो पास्ट में बहुत पूछे जाते थे, मगर आज के पेपर्स में उसका लेवल का कुछ भी नहीं आता है। और पास्ट में जो कुछ नहीं आता था वो नया नया आज बहुत कुछ पूछा जाता है और हम पास नहीं हो पाते। वैसे छोटे छोटे टॉपिक भी हमें बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए। चलिए तो देखते हैं, एनोड पंक का छोटा सा वीडियो है, कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत डिटेल दे रखा है और उसकी डेफिनेशन है। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम एक्यूमुलेट इन द फॉर्म ऑफ स्लज एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर कॉल्ड एनोड पंक। इसे एनोड पंक कहा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया में, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक शुद्धिकरण प्रक्रिया में जब कौन कौन सी इंप्योरिटीज होनी चाहिए, सोना, चांदी और प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम जैसी अशुद्धियां अघुलनशील, यानी कि वो पानी के अंदर पिघलती नहीं है, ऐसी अशुद्धियाँ कंटेनर के नीचे कीचड़ के रूप में जमा हो जाती है। जी हाँ, ऐसी अशुद्धियाँ जो होती है वो कीचड़ के रूप में कंटेनर में नीचे का जो बेस होता है ना, वहाँ पे जमा हो जाती है, उसे हम एनोड पंक कहते हैं। इसके अंदर आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि एनोड पंक आपको पता चल गया, एग्जाम में आपको यह पूरा का पूरा क्वेश्चन के रूप में दिया होगा और बोला होगा कि ये जो अशुद्धियाँ जमा होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एनोड पंक कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका कि सोना, चांदी और प्लेटिनियम जैसी धातुओं को शुद्ध करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक शुद्धिकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसे उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक शुद्धिकरण प्रक्रिया में किस धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो आपको ऑप्शन में तीन दे रखे होंगे और चौथी कोई एक्स्ट्रा धातु होगी वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो थ्री क्वेश्चंस आपके हो गए कवर इस छोटे से वीडियो के अंदर। आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है और कुछ नहीं रखना है, और फ्यूचर में ये टॉपिक शायद ट्रेंड कर भी सकता है। और दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।